हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। आज हम आए थे लोटस टेंपल, लेकिन लोटस टेंपल आने के बाद पता चला कि ये बंद है। और तो अंदर तो हम जा नहीं पाएंगे अब, लेकिन प्लानिंग था कि लोटस टेंपल आने का, लेकिन यहाँ आकर है जो प्लानिंग है जो पूरा चौक ख़त्म हो गया। अब फिर है जब यहाँ से निकलेंगे अब घर की ओर, फिर है उसके बाद है जो कल का प्लान बनाएंगे। ये देखिए ये बंद है, मतलब लॉकडाउन में जो बंद हुआ अभी तक खुला नहीं है, लेकिन नेट भी बता रहा था। जब मैंने रात में है जो नेट पे है जो सर्च किया तो उसने बता रहा था ओपन, और टाइमिंग भी बता रहा था ओपन का, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि ये क्लोज है, ये ओपन लॉकडाउन के बाद है जो ओपन हुआ ही नहीं। तो यहाँ आने के बाद है जो पूरा प्लानिंग है जो, अब फिर से है जो दूसरा कुछ कहीं और का प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन घर से तो यही सोच के निकले थे कि चलो भाई, पहले से भी प्लानिंग था कि पहले लोटस टेंपल है जो क्योंकि पास ही पड़ता लोटस टेंपल, और साथ में आए थे मेरा एक भांजा है विक्की, हेलो दोस्त, इसके भी साथ में आए थे, लेकिन कुछ कोई फायदा हुआ नहीं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कालिका मंदिर, पास ही पड़ता है तो वहाँ चलेंगे। अगर वहाँ भी अगर ज़्यादा भीड़ हुआ तो फिर वहाँ अंदर भी नहीं जा पाएंगे। और जब कोई चीज़ का प्लानिंग करो और वो चीज़ वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वो नहीं हो पाएगा ना, तो बहुत डिस्टर्ब होता है यार, बहुत। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब इधर ही घूम लेते हैं आसपास में। और लोटस टेंपल है जो यहाँ से तो दिख नहीं पाएगा, ये इसके पीछे है, अगर शायद दिख जाए तो। जब बंद है तो फिर ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि तो पेड़ पौधा है तो ढक जा रहा। और सुबह बहुत जल्दी उठे, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करना पड़ा, और वो जो वीडियो है जो फिर हमको डिलीट करना पड़ा, उसका स्टोरी है जो बाद में बताएंगे। एक मिनट, ये रहा, यहाँ अच्छे से दिख रहा है। और लोटस टेंपल के बाहर कुछ रोड का इस तरह सीन है, इतना स्वच्छ, और साइड में पेड़ है और कुछ ना कुछ बिकते ही रहता है इधर। हाँ तो अब अभी है जो फरीदाबाद पहुंच गए हैं, और वहाँ मेट्रो का है जो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पिछला जो वीडियो बनाया थे मेट्रो का उस पर है जो क्लेम आ गया था, तो इसलिए जो आज वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज फिर बनाएंगे मेट्रो का, फिर आ जाएगा तो सोचा है कि फिर हमें वीडियो डिलीट करना पड़ता है, और इसलिए और जो वीडियो हमको पूरा डिलीट भी करना पड़ गया था, तो इसलिए है जो आज है जो मेट्रो का बनाया नहीं ना जाते समय ना आते समय। और वहाँ उसका एक तो लोटस टेंपल भी बंद था, और जब उसे आगे बढ़े कालिका मंदिर जो वहाँ के है, तो वहाँ भी भीड़ इतना लंबा, काफ़ी बार शायद वहाँ का लाइन इतना लंबा था जो मतलब अगर हम लाइन लगते तो कम से कम 2 घंटा लग जाता। तो सोचे कि चलो अब फिर कभी आएंगे वहाँ पे। और इस रोड में इस तरह का मार्केट है भीड़, इधर सिर्फ कंपनी है, इंडस्ट्री एरिया इधर बोला जाता है। ये देखो ट्रांसफार्मर का कुछ फैक्ट्री है वहाँ पे, ट्रांसफार्मर ही लगा। और ये अब देखते हैं शाम में किस तरह का प्लान बनाया जाता है, और
नहीं होगा तो फिर कल का प्लान आज देखते हैं। कुछ दोस्त से बात हुआ है तो कल संडे भी है तो देखते हैं क्या रहता है कल का प्लान। तो आज के तो इतना ही, काफ़ी दूर आ गए और ये जो है गली है इस सेक्टर में है जो गाड़ी चलती नहीं है, जो है जो प्राइवेट गाड़ी। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं जाना, लेकिन फिर भी है जो छोटा मोटा लिफ्ट है ले नहीं सकते। और मौसम भी सही है, गर्मी है लेकिन उतना नहीं है, बात करते जा सकते हैं। बारिश का मौसम बनता है लेकिन हो तो नहीं रहा बारिश, सुबह में मौसम था इसलिए थोड़ा लेट से निकले। और इस सेक्टर में जो घर है आपको दिखने को मुझे मिलेगा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक, और बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन और बीच का जो गैप है वो काफ़ी अच्छा अच्छा मिलेगा। इस तरह का पटना में देखने को एक दो ही जगह मिलता है, ये देखिए गली। और पटना में भी अगर इस तरह का सेक्टर बनता तो उतना काफ़ी परेशानी लोग को नहीं होता। ये सेक्टर 7 में मंदिर है, ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर। ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, इसमें और बाहर कुछ इस तरह के एरिया है, इधर फील्ड है और इस तरफ मंदिर हो गया है, पता करने खुला है कि नहीं। एक गली, दो गली, तीन गली, चार गली चले और एक दो गली और है। और गली का जो है देखिए कितना खूबसूरत, और सबसे अच्छा यहाँ लगता है ना दोनों तरफ से स्पेस काफ़ी रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह का है कुछ, तो शाम में कुछ प्लान करते हैं कहीं जाने का। अगर नहीं गए तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, या फिर अगर कहीं निकलते हैं तो वीडियो लंबा आएगा ही, तो कुछ क्या होता है वो शाम में बताएंगे। क्योंकि गए हैं जो तो मूड तो ख़राब है, गए इतना खर्च हुआ और कुछ नहीं हुआ घूम कर चला है। अब है जो कहाँ जाना पड़ेगा, जो घूमने का अच्छा जगह है आराम से कम घूम सकते हैं, यहाँ तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तुरंत धूपा हो गया, इतना कड़ा धूपा, और क्या पता है जब मास्क लगा के जाना मतलब चलना पड़ता है। और नहीं तो हर जगह, दिल्ली में तो ज़्यादा था फाइन, यहाँ भी है, जिसको तो आदत है नहीं तो लगा लेते कहीं फाइन ना देना पड़ जाए। कुछ ऐसा है यहाँ का सिस्टम। और तो अब हम घर है जो पहुँचने वाले हैं, तो जैसा होता है शाम में कहीं भी निकलने का मन नहीं है यार, मूड ख़राब हो गया है तो कहीं जाएंगे नहीं। कल का कुछ प्लान कर देखते हैं, तो ठीक है मिलते हैं फिर। ओके बाय, ओके बाय, सी यू, टाटा।